जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। मेरे गांव का नाम है मांदरा बासर, जो कि टिहरी ज़िले में पड़ता है। फ़िलहाल आजकल आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा गाँव के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ आग लगी हुई है और धुआँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आसपास। तो धूप बहुत हल्की आ रही है आजकल इस धुएँ की वजह से ही, और बारिश का जो है नामो निशान नहीं है कहीं। काफ़ी टाइम हो चुका है बारिश हो ही नहीं रही है, और लोगों की जो आस है ना वो बारिश पे टिकी हुई है, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फसल भी अच्छी होगी। जो गेहूं की फसल है वो भी भाई इस बार अच्छी नहीं हो पाएगी अगर बारिश नहीं हुई। देखते हैं कब तक बारिश हो पाती है। लाल भाई सुबह सुबह हम आ रखे हैं अपने धारे की तरफ जा रहे हैं इस समय, यहाँ नहर से होते हुए। यहाँ नहर पर ना रास्ता थोड़ा सा ख़राब है आगे, आजकल क्या है सूखा सूखा सा नज़र आता है। जो घास होती है ना वो कुछ इस प्रकार से सूख जाती है सर्दियों में, और बारिश भी नहीं हो रही है इसकी वजह से भी ज़्यादा धुआं आसपास फैला हुआ है। बाकी जो रास्ते की बात मैं कर रहा था, ये है नहर का रास्ता और यहाँ पे टूटा हुआ भाई ये रास्ता, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से पानी के लिए लगाया था। जब गेहूं की फसल लगाई जाती है उस टाइम पे यहाँ से पानी जा रहा था, कुछ लोगों के खेत में तो पहुँच गया था पानी, लेकिन इतना ज़्यादा इससे जा नहीं रहा था क्योंकि पानी पूरा नीचे जा रहा था यहाँ से। तो आजकल तो खैर पानी लगाते नहीं हैं और ना ही बारिश हो रही है, बारिश का इंतज़ार कर ही रहे हैं लोग कब जाके बारिश होगी। फ़िलहाल तो यार कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं बारिश के आसार। हाँ एक दो दिन बीच में थोड़ा बादल आए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, बस बादल आए थे। और यहाँ पे हमने सफाई करी थी ना एक वीडियो में, आपने देखा होगा। तो आजकल ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि इधर बहुत सारी झाड़ी हो रखी थी और सारी झाड़ी हमने उस टाइम पे यहाँ की काट दी थी। तो एकदम पूरा साफ रास्ता दिखाई दे रहा है अब, आस पार आर्क के पार दिखाई देता है पूरा। नहीं तो झाड़ी की वजह से यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना साफ, और जानवरों का भी डर रहता है जो जंगली जानवर होते हैं। और इस टाइम पे अब ये जो जनवरी का महीना चल रहा है ना, इस टाइम पे भाई ये फूल खिले होते हैं फ्योली के, खूबसूरत आपको ये ऐसे दिख जाएंगे। और फ्योली के फूल हमेशा ऐसे ये जो पगार होते हैं जो बिट्टे होते हैं ना इन पे होते हैं, जो नीचे ज़मीन पे नहीं होंगे, हमेशा ऐसी पगार पे जो बिट्टा कहते हैं इसको। ये पत्थरों के बीच से देखिए कैसे ये इसकी पौध निकल रखी है। तो कुछ ऐसी जगह पर ज़्यादा ये फ्योली के फूल उगते हैं और काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं ये फ्योली के। तो मेरे साथ में है राहुल भट्ट, और अभी हम गांव से जब आ रहे थे ना तो पहले याद कर रहे थे कि ये जो रास्ता था ना, ये रास्ता पहले यहाँ इस पत्थर के नीचे से होते हुए जाता था। तो जब 2013 में बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, यहाँ भी हमारे गाँव की तरफ भी बहुत भयंकर गधेरा आया था ये वाला, तो उस गधेरे ने ये पूरा रास्ता तोड़ दिया था, और जो धारा है ना वहाँ भी पूरी ऐसे मिट्टी भर चुकी थी, तो उसकी वजह से ये रास्ता भी टूट गया था। और यहाँ इस पत्थर के अंदर पूरी ऐसे मिट्टी घुस गई थी और पत्थर आ गए थे बहुत सारे, तो उसके बाद यहाँ पे ये रास्ता बनाया था। और यहाँ से पानी आने की वजह से हमेशा ये रास्ता ना अभी भी टूट जाता है, तो यहाँ पे तो भाई सीधे पुल ही बनेगा तभी जाके ठीक हो पाएगा ये रास्ता, नहीं तो ये ऐसे ही टूटता रहेगा हमेशा, या फिर इसका कुछ ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी देखिए ये खोखला हो रखा है, तो ये पिछले साल फिर से बनाया था और दो तीन बार बना दिया है, लेकिन फिर से ऐसे टूटता रहता है क्योंकि गधेरा आता है ना बहुत तगड़ा वाला यहाँ पे। और नीचे वाले गधेरे की तरफ जो नीचे वाला रास्ता है ना भगोड़ा वाला, वहाँ पे तो पुल बनने ही वाला है, कल पड़ जाएगा लैंडर तो दिखाएंगे आपको कैसा वहाँ पे पुल अब सही हो गया है आने जाने का रास्ता। यह हमारे गांव का धारा, और यहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं कपड़े धुलने के लिए आती हैं ज़्यादातर। आजकल सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे भाई गुनगुना पानी आता है, नहीं तो घर में जो नलके लगे हुए हैं उन पे आता है एकदम ठंडा पानी, तो उसमें कपड़े धुलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा गुनगुना पानी आता है ये हमारा जो धारा है गाँव का, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से कपड़े भी धुल जाते हैं सर्दियों में और ठंड भी नहीं लगती। आजकल धूप भी आई रही है इस टाइम पर, अभी सुबह की बजरी हैं 11 और धूप वैसे आजकल है तो हल्की धुएं की वजह से, लेकिन यहाँ धारे पे जो गुनगुना पानी आता है ना उसकी वजह से कपड़े धुलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है आजकल इतनी कड़ाके की ठंड में। तो
तो ये धारे के आसपास कुछ इस प्रकार के ये काफ़ी फूल खिले हुए हैं और ये बिल्कुल फ्योली की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा इनका कलर जो है ना वो हल्का सा बैंगनी कलर के ये फूल हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये फूल ना खिले हुए हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए देखिए भाई, ये है उडार, पानी से लगाना। अभी यहाँ धारे से वापस आ रहे हैं भाई घर की तरफ। नीचे आपको पुल दिखाते हैं, जो नीचे मैं कह रहा था ना पुल बन रहा है, तो एक पुल यहाँ पे भी भाई मतलब यक पर भी खपड़ू या वो इन्हीं जे वहाँ मतलब और जाना कहना बढ़िया हो। ये हमारा धारे का मेन रास्ता है पानी का। हाँ तो हमारा मेन रास्ता हो गया ना धारे पे। आजकल देख ही रहे हैं आप किस तरह से महिलाएं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए आती हैं, और गर्मियों के टाइम पे तो भाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस पानी की, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो पीने का पानी है लोग ज़्यादातर यहाँ से ले आते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आता है भाई। नलके में आता है थोड़ा गर्म पानी, लेकिन सर्दियों में यहाँ गुनगुना पानी आता है, और गर्मियों के टाइम पे भाई ठंडा पानी आता है, तो इसीलिए यहाँ धारे का पानी हाँ फ्रिज के जैसा बिल्कुल एकदम ठंडा पानी। फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारे गांव में वैसे तो, लेकिन अब धीरे धीरे वो जैसे टेम्परेचर ना गांव में भी बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे आजकल भी मतलब इस साल भी इतनी ज़्यादा कुछ ठंड पड़ी नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि बारिश हुई नहीं है काफ़ी टाइम से। तो ये ऊपर वाला जो नहर वाला रास्ता है ना ये जाता है धारे की तरफ, और ये नीचे की तरफ जो रास्ता है ये यहाँ हमारे गांव वालों के बाड़े हैं, यानी कि जहाँ से लोग घास के लिए जाते हैं, जहाँ लोग घास के लिए जाते हैं तो वहाँ का रास्ता है, और साथ में ये जो रास्ता है ना ये मेन रास्ता है हमारे गांव का नीचे सड़क में जाने का, और साथ में उधर जो गांव है सामने कर्ण गांव जाने का। तो यहाँ पे भाई जब बारिश होती थी तो बहुत ही भयंकर, जो बरसात के टाइम पे होता है तो बहुत तेज़ बहाव आता है गधेरे पे, तो क्योंकि गधेरे से होते हुए ये रास्ता जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भाई पुल का निर्माण अब किया जा रहा है। और अब दिखाते हैं आपको कितना काम हुआ है पुल में, यहाँ ये किया जा रहा है यहाँ पे पुल का काम। तो यहाँ पे आज जो है जाला बुना जा रहा है, जो सरिये का जाला होता है, तो यहाँ पे कल पड़ जाएगा लैंडर सरिया, तो कल कंक्रीट इसके ऊपर बिछा देंगे, तो कल यहाँ पे लैंडर पड़ जाएगा पुल का। उसके बाद अब यहाँ से आने जाने का रास्ता वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा था वो देखिए गधेरे की वजह से ना कितना भयंकर, यहाँ पे जब गधेरा आता है तो वो पत्थर आपको दिख रहा होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं कभी कभी गधेरे के साथ जब बहुत तेज़ बहाव होता है, तो उसकी वजह से रास्ता पूरा ख़राब हो जाता था। तो स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ से काफ़ी सारे कर्ण गाँव से होते हुए, वहाँ से नीचे से रास्ता जाता है, तो उसकी वजह से भी उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब पुल बन गया है तो यहाँ पर अब आने जाने की जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। तो नीचे गधेरे से अभी वापस आ चुके हैं हम घर की तरफ, क्योंकि अभी भाई 11:30 तो बजी चुकी हैं, और अभी खाना बनाना है घर में, तो आज राहुल और मैं ऊपर ही बनाएंगे भाई हमारे यहाँ पे घर खाना, तो राहुल और मैं आज वहीं पे खाना खाएंगे, क्योंकि चाची जी तो अभी कपड़े धुल लिए, चाची जी को टाइम लगेगा, और काव्यांश अभी घर पर, तो काव्यांश को लेके आते हैं अपने साथ। तो काव्यांश भी अभी कुछ दिन पहले ही धनेटी से वापस आया है, वो गया था अपने ननिहाल अपने नाना के गांव, तो वो पड़ता है उत्तरकाशी ज़िले में, तो धनेटी गांव का नाम है और हमारे गांव का नाम है मांद्रा बासर। तो अभी आजकल ही आया है वापस, तो काव्यांश कह रहा था भाई कि खुद लगी कि मुझे खुद मांद्रा की, अभी काव्यांश को लेके जाते हैं अपने साथ ऊपर हमारे घर में। वो देखे काव्यांश कहाँ है, काव्यांश ओ रहा काव्यांश ऊपर, काव्यांश आ जा, हाथ बहरे निकल, ओ आ गया काव्यांश आ गया, चलो हाय कर दे सबको, हाय हेलो कर दे सबको, हाय हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप, बोल कैसे हो आप, कैसे हो आप, कैसे हो आप, जोर से बोले, मेरा नाम है काव्यांश, मैं हूँ मांद्रा बासर से, चलो हैं ऊपर चलते हैं, ठीक है ऊपर चलते हैं। आपको पता ही है उत्तराखंड में जो गांव हैं वहाँ से भाई पलायन हो ही रखे हैं हर जगह से, लोगों के एक एक मकान नीचे शहरों में हैं ही, लगभग हमारे गांव वाले जो लोग हैं उनके लगभग ज़्यादातर लोगों के एक एक मकान नीचे शहरों में भी हैं, तो कभी कभी वो आ जाते हैं गाँव,
और ज़्यादातर टाइम शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ वही वो जॉब वगैरह करते हैं लोग। जो रोज़गार का साधन है वो पहाड़ों में तो है नहीं, इसलिए लोगों ने पलायन कर दिया है यहाँ गांव की तरफ से शहरों की तरफ। तो कुछ इस प्रकार है सुबह का नज़ारा। तो मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।